हेलो पेरेंट्स वेलकम टू कन्वीनियट स्टडीज आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूं यूकेजी क्लास के लिए मैथ्स के कुछ सैंपल क्वेश्चन पेपर्स या आप कह सकते हैं वर्कशीट्स मैं इसमें फाइव सैंपल क्वेश्चन पेपर्स शेयर कर रही हूं टोटल ट्वेंटी फाइव क्वेश्चन मैं शेयर कर रही हूं इसमें पूरा ही जो सिलेबस है बच्चों का इंक्लूडेड है तो एग्जाम की अगर आप तैयारी करवा रहे हैं बच्चों को तो इस तरह से आप बच्चों को क्वेश्चन दे सकते हैं ताकि बच्चों के एग्जाम की तैयारी और अच्छी हो सके तो बने रहेगा एंड तक चले वो स्टार्ट करते हैं ये मेरा फर्स्ट क्वेश्चन पेपर क्वेश्चन नंबर वन है राइट बी फॉर बिग ऑब्जेक्ट्स एंड एस फॉर स्मॉल ऑब्जेक्ट्स बच्चे बिग ऑब्जेक्ट्स के सामने बी लिखेंगे और स्मॉल ऑब्जेक्ट के सामने एस लिखेंगे क्वेश्चन नंबर टू है मैच द फॉलोइंग यहां पर मैंने थ्री कॉलम्स बनाए हुए हैं यहां पर बच्चों को काउंट करना है काउंट करके उसे नंबर से मैच करना है नंबर से मैच करने के बाद में उसके स्पेलिंग से बच्चों को इसे मैच करना है क्वेश्चन नंबर थ्री है राइट द नंबर्स इन इंक्रीजिंग ऑर्डर अब यहां पे बच्चों को इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिखना है यानी कि जब हम बच्चों को असेंडिंग एंड डिसेंडिंग सिखाते हैं तो हम शुरुआत में पहले उन्हें जो है इस तरह से कंटिन्यू नंबर्स लिखने के लिए देते हैं तो इंक्रीजिंग यानी असेंडिंग ऑर्डर हो गया तो 11 से 15 तक बच्चों को लिखना है यहां पर 11, 12, 13, 14, 15 लिखना है यहां पे 6 टू 10 बच्चों को लिखना है क्वेश्चन नंबर फोर है एड एंड राइट द करेक्ट नंबर यहां पर मैंने पिक्चर्स ड्रॉ की हुई है और पिक्चर्स में बच्चों को इन पिक्चर्स को काउंट करके लिखना है साथ में एड करके लिखना है क्वेश्चन नंबर फाइव है राइट वॉट कम्स जस्ट आफ्टर जस्ट आफ्टर यानी इसके जस्ट बाद में कौन सा नंबर आएगा यह बच्चों को यहां पर लिखना है जैसे थ्री के बाद फोर आएगा इलेवन के बाद ट्वेल्व आएगा नाइनटीन के बाद ट्वेंटी आएगा तो ये है मेरा सेकंड क्वेश्चन पेपर इसका क्वेश्चन नंबर वन है राइट द नंबर्स इन डिक्रीजिंग ऑर्डर तो डिसेंडिंग ऑर्डर बच्चों को अच्छे से समझ में आया उसके लिए हम लोग डिक्रीजिंग ऑर्डर का जो है बच्चों को रिविजन करवाएंगे नेक्स्ट क्वेश्चन है सब्टेक्ट एंड राइट द करेक्ट नंबर अब यहां पर हमें सब्टेक्ट करना है तो यहां पर जैसे फोर जो अग्स है उसमें से टू माइनस हुए तो कितने बचेंगे तो यहां पर आप बच्चों को कट भी करवा सकते हो जैसे पेंसिल से इसे कट करके और फिर उन्हें समझा सकते हैं कि यहां पर जग्स बचेंगे क्वेश्चन नंबर थ्री है राइट वॉट कम्स जस्ट बिफोर अब यहाँ पर बच्चों को बिफोर नंबर लिखना है यानी एट के जस्ट पहले कौन सा नंबर आता है सेवन तो यहां पर सेवन लिखना है ट्वेंटी के जस्ट पहले नाइनटीन आता है तो यहां नाइनटीन लिखेंगे थर्टी फाइव के जस्ट पहले थर्टी फोर आता है तो वो लिखेंगे तो इस तरह से बच्चों को बिफोर नंबर लिखना है क्वेश्चन नंबर फोर है मैच द शेप्स विद देयर नेम तो यहां पर मैंने जो है कुछ पिक्चर्स बनाई हुई है अलग अलग शेप्स की और इन्हें बच्चों को मैच करना है उनके नाम से जैसे कि यहां पर सर्कल है तो सर्कल मैच होगा इस क्लॉक से ट्राइंगल है तो ये इससे मैच होगा रेक्टेंगल इससे मैच होगा स्क्वायर इससे मैच होगा सेमी सर्कल इससे मैच करना है क्वेश्चन नंबर फाइव है काउंट एंड सर्कल द करेक्ट नंबर्स यहाँ पर बच्चों को काउंट करना है इन पिक्चर्स को और फिर करेक्ट जो नंबर होगा उसे सर्कल करना है यह है मेरा थर्ड क्वेश्चन पेपर क्वेश्चन नंबर वन है सर्कल द ऑब्जेक्ट्स दैट आर सेम यहां पर जो भी ऑब्जेक्ट सेम है उन्हें बच्चों को सर्कल करना है तो यहां पर आप देखेंगे एप्पल है फिर मैंगो है फिर एप्पल फिर एप्पल फिर जग है तो यहां पर जितने भी एप्पल्स हैं उन्हें बच्चों को सर्कल करना है क्वेश्चन नंबर टू है राइट द नंबर दैट कम्स बिटवीन अब यहां पर बच्चों को बिटवीन नंबर सीखना है तो यहां पर एट और टेन के बीच में कौन सा नंबर आता है नाइन तो यहां पर बच्चों को नाइन लिखना है ट्वेंटी और ट्वेंटी के बीच में आता है ट्वेंटी तो यहां पर बच्चों को ट्वेंटी लिखना है नेक्स्ट क्वेश्चन कंपैरिज़न से रिलेटेड कंपैरिज़न के लिए मैंने एक बहुत ही अच्छी एक्टिविटी जो है अपने चैनल पे शेयर की हुई है आई बटन पे मैं उसकी लिंक दूंगी आप जरूर उसे चेक कीजिएगा यहां पे बच्चों को कंपेयर करना है और जो साइन है वो पुट करना है ग्रेटर देन एंड लेस देन का इक्वल्स टू का तो यहां पर जैसे कि वन टू थ्री फोर है और यहाँ पे वन टू थ्री है तो फोर जो होगा वो ग्रेटर होगा तो यहाँ पर ग्रेटर देन का साइन लगेगा यानी ये वाला साइन लगेगा तो जिस तरफ भी ज्यादा ऑब्जेक्ट होता है उस तरफ में इसका माउथ जो होता है वो ओपन होता है तो इस तरीके से आप बच्चों को समझा सकते हैं और मैंने जो एक्टिविटी शेयर की है वो आप जरूर चेक कीजिएगा क्वेश्चन नंबर फोर है राइट द मिसिंग नंबर्स यहाँ पर मैंने जो एटर बना के दी हुई है और यहाँ पर बच्चों को ट्वेंटी से स्टार्ट करना है और वन तक जो है काउंटिंग को कम्पलीट करना है क्वेश्चन नंबर फाइव है राइट द नंबर नेम्स फॉर द फॉलो यहाँ पर हम बच्चों को नंबर्स लिख के देंगे और बच्चों को यहाँ उनका जो नंबर नेम है यानी जो करेक्ट स्पेलिंग्स होती है जैसे सिक्सटीन की जो करेक्ट स्पेलिंग होगी वो बच्चों को लिखना है यहाँ पे ट्वेंटी एट लिखा है तो बच्चों को ट्वेंटी एट की स्पेलिंग लिखनी है ये है मेरा फोर्थ पेपर क्वेश्चन नंबर वन है राइट द नंबर्स इन असेंडिंग ऑर्डर अब हमने पहले जैसे बच्चों को इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग ऑर्डर के लिए क्वेश्चन दिए अब हम बच्चों को असेंडिंग ऑर्डर असेंडिंग ऑर्डर मतलब इंक्रीजिंग ऑर्डर ही होता है तो यहाँ पर बच्चों को इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिखना है यानी असेंडिंग ऑर्डर में लिखना है तो जो सबसे स्मॉलेस्ट नंबर होगा वो सबसे नीचे आएगा फिर हम स्मॉलेस्ट से होते हुए हम बिगर नंबर तक जाएंगे यानी सबसे बड़ा नंबर जो होगा हम सबसे लास्ट में लिखेंगे और इसे हिंदी में भी हम कह सकते हैं छोटे से बड़ा नंबर यह है क्वेश्चन नंबर टू राइट इन फिगर्स अब यहां पर मैंने जो है स्पेलिंग या नंबर नेम दिए हुए हैं यहाँ पर बच्चों को उनके नंबर्स लिखने हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है स्किप काउंटिंग से रिलेटेड यहाँ पर बच्चों को यूकेजी में टू और थ्री वाली जो स्किप काउंटिंग होती है वो सिखाई जाती है तो यहाँ पर जैसे टू लिखा है टू के बाद फोर लिखा है फोर के बाद में जैसे बच्चों को एक नंबर को स्किप करना है और उसका नेक्स्ट नंबर लिखना है जैसे कि फोर के बाद फाइव को स्किप करके सिक्स नंबर यहां लिखेंगे सिक्स के बाद सेवन को स्किप करके एट नंबर यहां लिखेंगे फिर एट के बाद नाइन स्किप होगा और टेन आएगा टेन के बाद इलेवन स्किप होगा और ट्वेल्व आएगा तो इस तरीके से ये टू वाले जो है आपको बच्चों को करवाना है नेक्स्ट क्वेश्चन है एडिशन यहां पर मैंने सिंगल डिजिट का एडिशन दिया हुआ है ये क्वेश्चन नंबर फाइव एट द फॉलोइंग अब यहां पर मैंने ऊपर टू डिजिट और नीचे सिंगल डिजिट दिए हैं और फिर कुछ क्वेश्चन है जिसमें दोनों ही नंबर जो है टू डिजिट से रिलेटेड है ये है मेरा लास्ट क्वेश्चन पेपर इसमें क्वेश्चन नंबर वन है राइट द नंबर्स इन डिसेंडिंग ऑर्डर आप चाहे इसे जैसे मैंने असेंडिंग ऑर्डर क्वेश्चन दिया था उसी तरीके से आप इसे भी दे सकते हैं एक लेडर बना के लेकिन अगर आप चाहे तो इस तरह से सिंपल यहां पर नंबर लिख सकते हैं और यहां पर बच्चों को जो है आंसर लिखना है यहां पर जो है डिसेंडिंग ऑर्डर होता है बिगर टू स्मॉलर यानी सबसे पहले सबसे बड़ा नंबर आएगा उसके बाद उससे छोटा उससे छोटा उससे छोटा फिर सबसे छोटा तो इस तरीके से बच्चों को डिसेंडिंग ऑर्डर जो है कम्प्लीट करना है क्वेश्चन नंबर टू है चूज एन ऑर्डिनल नंबर टू इंडिकेट ईच कलर्ड ऑब्जेक्ट यहाँ पर मैंने कुछ ऑब्जेक्ट्स ड्रॉ किए हुए हैं और जिससे मैंने कलर किया है उसका ऑर्डिनल नंबर लिखना है यानी कि जो फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ इस तरह से होते हैं ना नंबर वो नंबर लिखना है तो यहाँ पे फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ नंबर का जो ट्री है वो कलर्ड है यहाँ पे बच्चों को फिफ्थ लिखना है थर्ड क्वेश्चन है कंप्लीट द गिवन पैटर्न यहाँ पर एक पैटर्न दिया हुआ है जैसे कि पहला लीफ है फिर उसके बाद फ्लावर है फिर लीफ है फिर फ्लावर है, फिर, है फिर, फिर लीफ है तो इसके बाद बच्चों को यहाँ पे फ्लावर ड्रॉ करना है और फिर उसके बाद यहाँ पे लीफ तो इस तरह से बच्चों को जो पैटर्न है आप कोई भी पैटर्न बना के दे सकते हैं ये मेरा क्वेश्चन नंबर फोर इसमें मैंने टू क्वेश्चन दिए हुए फर्स्ट वाला है विच वन इज स्मॉलर यहाँ पर दो नंबर्स दिए हुए हैं इन दोनों को बच्चों को कम्पेयर करना है जो इन दोनों में स्मॉलर होगा यानी छोटा होगा उसे यहाँ पर लिखना है जैसे कि इन दोनों में छोटा नंबर जो है ट्वेंटी है तो यहाँ पर ट्वेंटी लिखेंगे इसी का नेक्स्ट क्वेश्चन है विच वन इज ग्रेटर तो यहां पर बच्चों को ग्रेटर नंबर यानी जो बड़ा नंबर है वो लिखना है तो इन दोनों नंबर्स में जो बड़ा नंबर होगा वो बच्चे यहां पर लिखेंगे क्वेश्चन नंबर फाइव है सब्ट्रेट द फॉलोइंग यहां पर मैंने सिंगल डिजिट नंबर और फिर जैसे होते हैं ना ऊपर वाले नंबर टू डिजिट के फिर नीचे एक सिंगल डिजिट होता है और या फिर दोनों ही नंबर जो है वो टू डिजिट के होते हैं उस टाइप के क्वेश्चन दिए हुए हैं एक ही साथ सारे दिए हैं तो आप इस तरह बच्चों को एक ही साथ सारे क्वेश्चन दे सकते हैं सब्ट्रेक्ट करने के लिए ये था मेरा आज का वीडियो अगर आपको मेरा यह वीडियो पसंद आया है तो प्लीज मेरे चैनल को लाइक करें शेयर करें सब्सक्राइब करें थैंक यू फॉर वॉचिंग